तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उज्जवल, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द टॉपिक. नेम इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच इज ट्रांसमिनेशन एंड डीअमिनेशन. सो आज हम लोग देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एक्चुअल में कैसा होता है, देन ट्रांसमिनेशन, उसके बाद डीअमिनेशन एंड लास्टली वी सी रेफरेंस. सो वी ऑल नो दैट प्रोटीन आर द फंडामेंटल बायो मॉलिक्यूल्स क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्स. सो प्रोटीन्स ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स से. द अमीनो एसिड्स इज द प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड बहुत सारे मिलके प्रोटीन को बनाते हैं. सो अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, कंपोज ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक बना के प्रोटीन के फॉर्मेशन करते हैं. सो प्रोटीन इज द मोस्ट फंडामेंटल बायो मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड समझने से पहले हमको अमीनो एसिड का पूल, बॉडी अमीनो एसिड पूल, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में अमीनो एसिड पूल एग्जिस्ट करता है, जिसमें बॉडी का जो प्रोटीन है, जो कि 10 to 12 kg इन एडल्ट्स होता है मोस्टली, इसमें प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा विद इन अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. सो ये साइकिल चलती रहेगी. उसके बाद में कुछ हम प्रोटीन डाइट से लेते होंगे, तो उस प्रोटीन से जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर इस अमीनो एसिड पूल में ऐड हो जाएगा. सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इससे जो है कुछ अमीनो एसिड हमारे अमीनो एसिड पूल में आएंगे. अमीनो एसिड पूल से कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी सिंथेसाइज होंगे, जैसे कि क्रिएटिन, पोरफायरिन, फॉस्फोलिपिड्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनेंगे, तो कुछ एनर्जी में यूटिलाइज होंगे, और इसमें से कुछ प्रोटीन लॉस भी हो सकता है, जैसे कि मोस्टली एज यूरिया, यूरिन के फॉर्म में. सो ये कंप्लीट अमीनो एसिड का पुल हमारे बॉडी में कंटिन्यूस चालू होता है. देन अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म ये होता है कुछ रिएक्शन से, कुछ रिएक्शंस मिलके अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है. उसमें दो मेन रिएक्शंस है. सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता कैसे, कौन से रिएक्शन से होता है. सो अमीनो एसिड डाइट से जो प्रोटीन लेते हैं ये अमीनो एसिड में आ गए, बॉडी से जो प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है वो इसमें आ गए, इस अमीनो एसिड से कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, इस अमीनो एसिड से कुछ सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स. सो अमीनो एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिनेशन. ट्रांसमिनेशन इज द रिएक्शन इन विच अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू द कीटो एसिड. अब इस रिएक्शन के साथ साथ अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि एक कीटो एसिड है, ये भी कन्वर्ट होती है इन ग्लूटामेट. ये साथ साथ रिएक्शन होती है दोनों. अब कीटो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये होगी एनर्जी में यूटिलाइज, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो सकता है, इससे फैट भी बनेगा, इससे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बनेगी. लेकिन ग्लूटामेट जो हमारा जो है मॉलिक्यूल बना, ये कन्वर्ट होगा NH3 में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीअमिनेशन. और NH3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसके वजह से इसको यूरिया में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब इसमें जो है दो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो ट्रांसमिनेशन और डीअमिनेशन. तो कंप्लीट मेटाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के लिए टू रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. ट्रांसमिनेशन,
ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड NH2 ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड इज नोन एज द ट्रांसमिनेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन ऑफ पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड अ पेयर ऑफ कीटो एसिड कैटेलाइज बाय द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड ट्रांसमिनेजेस। अब ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज होती है बाय द एंजाइम इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिनेजेस। इसको रिसेंटली अमाइनो ट्रांसफरेसिस भी बोलते हैं। अब हमको पता है कि कोई भी एंजाइम जो है अगर वर्क करता है तो उसको एक को एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसमिनेजेस जो एंजाइम है उसको को एंजाइम की ज़रूरत होती है। उस को एंजाइम का नाम है पायरोक्सीडोल फॉस्फेट। ऑल ट्रांसमिनेजेस रिक्वायर पायरोक्सीडोल फॉस्फेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PLP बोलते हैं। इज द को एंजाइम डिराइव फ्रॉम विटामिन B6। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन, इससे पायरोक्सीडोल फॉस्फेट बनता है और ये हेल्प करता है द रिएक्शन ऑफ ट्रांसमिनेशन। और ट्रांसमिनेशन ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कीटो एसिड से अमीनो एसिड में भी ये रिवर्स कन्वर्ट हो सकता है। डीअमिनेशन द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ डीअमिनेशन। सो अमीनो ग्रुप जो है अमीनो एसिड से हम रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीअमिनेशन। ट्रांसमिनेशन डिस्कस्ड अबव इन्वॉल्व्स ओनली द शफलिंग द अमीनो ग्रुप्स अमॉन्ग द अमीनो एसिड्स। ऑन द अदर हैंड द डीअमिनेशन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ अमोनिया और यूरिया सिंथेसिस। साइमल्टेनियसली द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड। डीअमिनेशन में बी आइदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑल थ्रू ट्रांसमिनेशन एंड डीअमिनेशन आर सेपरेटली डिस्कस्ड बट साइमल्टेनियसली ग्लूटामेट इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल जिसमें आता है, जिसके वजह से इस प्रोसेस को ट्रांस डीअमिनेशन भी बोला गया। अब डीअमिनेशन दो तरह से हो सकता है, एक तो ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन और एक नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन मतलब लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमीनो ग्रुप कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस विच कपल्ड विद ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन। पर अगर क्या होगा कि डीअमिनेशन हो रहा है विदाउट ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन। जिसमें कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सेरीन, थेरीन और हेमोसेरीन इज कन्वर्टेड, दिस इज द अमीनो एसिड इज कन्वर्ट इन टू द कीटो एसिड रिस्पेक्ट टू कीटो एसिड बाय द एंजाइम डिहाइड्रेटेज एंड इसमें NH3 लिबरेट हो रहा है। दिस रिएक्शन डजन गोइंग टू ऑक्सीडेशन एंड दिस कॉल्ड एज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन। ऑल दिस PPT एंड लेक्चर वीडियो विल बी टेकन फ्रॉम डॉक्टर यू सत्यनारायण चक्रपाणी बायोकेमिस्ट्री एलिवेशन इंडिया 2023 बुक। सो लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।